आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। ये कॉलेज आपका सिचुएटेड है कल्याणी में। पूरी डिटेल में इसको जानेंगे, कितना वर्थ इट आपके लिए, कितना कट ऑफ जा रहा होता है और इस कट ऑफ पे क्या एडमिशन लेना वर्थ इट डिसीजन होगा या नहीं होगा, फीस के अकॉर्डिंग कितनी ROI हमारे निकल के आती है, ये सारी चीजों के ऊपर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी इन सारे PDF को पूरी डिटेल्स पे देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। किसी और कॉलेज का वीडियो रिव्यू वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते। तो बात करते हैं JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, जो एस्टैब्लिश हुआ 2000 ईस्वी में और ये जिस ग्रुप के अंदर आने वाला सबसे पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। बट है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, ठीक है, UGC से ग्रांट है इसको, एफिलिएट है मकाउट से, AICTE से, NAC से ए ग्रेड मिल चुका है, NBA से एफिलिएट है। देखो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट हमें इसका जो कैंपस का डेटा मिला है वो 17.5 एकड़ का है, ठीक है। अब ये सही डेटा है तो कमेंट में बता सकते हो या अगर गलत है तो वो भी आप हमें करेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट हमें बाकी सारे रिसोर्सेज से यही डेटा पता चलाएगी, 17.5 एकड़ मतलब 18 एकड़ के अराउंड इसका कैंपस। एकेडमिक्स ओवरव्यू थोड़ा देखते हैं, ठीक है, ये आपका सिर्फ इंजीनियरिंग का ओवरव्यू है, ठीक है, बाकी हम किसी अदर प्रोग्राम के लिए नहीं देख रहे हैं। इनटेक 720 के अराउंड है सारे कोर्सेज मिला के बीटेक के अंदर। टोटल एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ ये कभी बढ़ता है कभी घटता है तो आप 3000 के अप्रॉक्स मान सकते हो। ग्रेजुएटिंग रेट 95% है, अगेन काफी अच्छा डेटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर हायर स्टडीज 8% है, दैट मींस प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अच्छी अमाउंट में हो रही है। डाइवर्सिटी 46% के अराउंड देखने को मिल जाती है, विच इज गुड थिंग। फैकल्टी वेल क्वालिफाइड मिलेंगे, ठीक है, कुछ आपको PhD मिलेंगे, कुछ MTech मिलेंगे, ठीक है, तो इस तरह के आपको मिक्स टाइप के फैकल्टी मिलने वाले हैं। अब ये फैकल्टी आपके लिए कितना वर्थ इट है, कैसे पढ़ाते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करें एकेडमिक प्रोग्राम्स की तो कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, बायोमेडिकल भी है, सिविल है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है, CSE में आपको स्पेशलाइजेशन दिख जाएंगे लाइक AI & ML है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे कुछ ब्रांचेस है जो ऑफर किए जाते हैं बीटेक के अंदर। एडमिशन के 3 मोड है यहाँ पे, JEE के स्कोर पे भी ले सकते हो, WBJEE के स्कोर पे भी ले सकते हो। इस दोनों के लिए आपका एक काउंसलिंग होता है WBJEE काउंसलिंग करके, उसका डेट आने वाला है, बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। इसके बाद इसका एक जिस ग्रुप का एग्जाम होता है CEEAMPAI करके, ठीक है, इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा एक और लास्ट ऑप्शन है, अगर हमारे इन सारे एग्जाम में बहुत कम स्कोर आता है क्या हमें एडमिशन मिल सकता है? हाँ डेफिनेटली मिल सकता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, दैट मींस डायरेक्ट एडमिशन, जहां पे आपको कुछ थोड़ा अमाउंट पे करना होता है लेकिन आपके पास कौन कौन से स्कोर होने चाहिए, तो आपका WBJEE का या JEE मेंस का ये कोई स्कोर होना चाहिए तभी आपको मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन मिल पाएगा, भले ही आपका रैंक बहुत ही नीचे हो। मैनेजमेंट कोटा जनरली डिपेंड करता है सीट्स पे, ठीक है, एंड जितना जल्दी आप अप्लाई करते हो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको CSE जैसे ब्रांचेस मिल जाए। CSE की कट ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे बहुत लो स्कोर पे, लो रैंक पे आपको मिल जाता है। JEE मेन में अगर आपका 2.5 लाख के आसपास भी रैंक है तब भी CSE से ब्रांचेस देखने को मिल जाता है। WBJEE पे 64,000 पे आपको कोई ना कोई CSE मिल जाएगा, ठीक है, ये ऑल इंडिया ओपन कोटा का कट ऑफ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% 12th में होना चाहिए और इंग्लिश में कम से कम 30% होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एडमिशन के टाइम पे ये सारे आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो या WBJEE में प्लान बना रहे हो काउंसलिंग के लिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-3 फोटोकॉपी करा के रख लो, आगे काम आने वाला है। और अगर तुम में से कोई बच्चे ऐसे है जो इंटरेस्टेड है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, चाहे ये कॉलेज हो या फिर हल्दिया हो, नरूला हो, इस टाइप के IIM हो, हेरिटेज हो, ठीक है, अगर इन सब में इंटरेस्टेड हो तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। क्योंकि WBJEE में जितने भी कॉलेजेस है जहां पे मैनेजमेंट कोटा होता है तो 10% सीट डायरेक्ट एडमिशन के लिए होता है, तो इसकी टेंशन तुम मत लो। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की, क्या कैसा फीस आपका रहने वाला है, अगर हम CSE ब्रांच का देखें विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन 6.5 लाख के आसपास आपका फीस लगने वाला है, स्पेशलाइजेशन में भी सेम रहने वाला है, एग्रीकल्चर में 4 लाख अराउंड जाने वाला है, अगर सिविल जैसे ब्रांचेस देखें तो उसका भी 4,20,000 के समथिंग रहने वाला है फीस, IIT में भी 6 लाख के आसपास फीस होने वाला है, तो इस तरह से आपका फीस चलने वाला है। EC में 6 लाख के आसपास मान सकते हो फीस, ठीक है, तो बेसिकली जो भी अच्छे ब्रांच है उसकी फीस आपको 6 लाख के अप्रॉक्स या उससे थोड़ा ऊपर ही दिखेगा। स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, अगर आप अच्छे मतलब टैलेंटेड हो, स्टूडेंट हो, अच्छे खासे मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप वगैरह देखने को मिल जाता है, या फिर जिन्हें स्टूडेंट के लिए 6 लाख भी बहुत ज्यादा फीस हो जाता है, ऐसे फैमिली कंडीशन से आते हैं तो डेफिनेटली उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से एजुकेशन लोन फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल बिहार स्टूडेंट हो तो आप वहाँ के क्रेडिट कार्ड काफी स्कीम ले सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो। अगर बात करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, आखिर ये होता क्या है, ये एक्चुअली आपका एनुअल बजट होता है कॉलेज का, कि कॉलेज किस तरह से उस अमाउंट को यूटिलाइज करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एकेडमिक्स पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो लाइब्रेरी पे 27 लाख है, न्यू इक्विपमेंट्स पे 2 करोड़ के समथिंग है, सैलरीज पे 21.74 करोड़ के अराउंड है, मेंटेनेंस पे 8.41 करोड़ के समथिंग है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे 17 लाख के अराउंड है, अदर एक्सपेंडिचर पे 81.75 लाख के अराउंड है, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस पे 23 लाख के अराउंड है, नंबर ऑफ पेटेंट पब्लिश 37 है, ग्रांटेड 9 है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट 25 है, फंडिंग एजेंसीज 19 है, एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अभी तक 1.24 करोड़ के अराउंड। सो ओवरऑल आप एक ठीक ठाक अमाउंट मान सकते हो, ना उतना अच्छा है ना उतना बुरा भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप इस
इसको कंपेयर करोगे हल्दिया से या फिर नरूला से तो डेफिनेटली उसमें ये नीचे आता है। इसमें आप हल्दिया को सबसे ऊपर मान सकते हो, देन आपका नरूला है, देन आपका इसको मान सकते हो। एंड इससे थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट स्टैट्स, हमारा आरओआई कितना निकल के आता है, हम जो 6 लाख 6.5 लाख या फिर 4 लाख फीस पे कर रहे होते हैं, तो हम इसमें बात कर रहे हैं सिर्फ इंजीनियरिंग की। मीडियम सैलरी 5.1 एलपीए के अराउंड रहने वाली है, विच इज गुड थिंग, ठीक है, आप अच्छा अमाउंट मान सकते हो। हाईएस्ट 28.1 एलपीए के अराउंड रहने वाली है, मतलब लास्ट ईयर रही थी। प्लेस्ड परसेंटेज 88% के अराउंड है, ठीक है। अब यहाँ से आप 8% आप जोड़ दो हायर स्टडीज को जिसने स्टूडेंट प्रीफर किया था, तो 96% के अराउंड आप मान सकते हो। ये ग्रेजुएटिंग रेट में से, ऐसा नहीं है यहाँ के इनटेक जो 720 के समथिंग था उसमें से 96% का प्लेसमेंट हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें से जितने बच्चे जो जनरली एडमिटेड हुए फर्स्ट ईयर में, देन उसके बाद जो आपका एकेडमिक्स चला उसमें से जितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए उसका ये प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो ऐसा नहीं है जितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उसका ये प्लेस्ड परसेंटेज है। बाकी यहाँ पे इसका कुछ प्लेसमेंट परसेंटेज है जो कि आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, 88% के अराउंड ही है। एंड एवरेज सीटीसी 5.1 एलपीए के अराउंड है, विच इज गुड थिंग की मीडियम सैलरी भी आपको इस रेंज के अराउंड दिख रही है। बाकी ये लास्ट ईयर का स्टैट्स है, आप देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात करें कैंपस लाइफ की, तो देखो एक नॉर्मल सा ही कैंपस लाइफ मिलने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं मिलने वाला है। डब्ल्यूबीजेई के अंदर आपको जो भी कॉलेजेस मिलने वाला है या वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, एक्सेप्ट आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड आपका जो आईआईएसटी सिवपुर है, ठीक है, इन सब कॉलेज को अगर छोड़ दे तो नॉर्मल सा ही आपका कैंपस लाइफ रहने वाला है। बेसिक फैसिलिटीज हाँ डेफिनेटली आपको मिलेगी, थोड़ी बहुत कमी आपको दिखती रहती है, चाहे वो मैनेजमेंट का कह लो, फैसिलिटीज का कह लो या एकेडमिक्स का कह लो, फैकल्टी का कह लो, तो वो दिखती रहती है। बट जिस फीस पे आपको एडमिशन मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उतना भी बुरा नहीं कह सकते हो, ठीक है। अगर आप जब ये कंपेयर करते हो कि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली उसमें ये थोड़ा नीचे आता है। बाकी आपको वाईफाई वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ये मतलब ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। बाकी ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज है लाइक क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, इंडोर फैसिलिटीज, वर्कशॉप, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई जेएएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कल्याणी। सबसे पहले तो आप ये चीज क्लियर हो जाओ, यहाँ पे कोर में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। सीएसई, आईटी इस तरह के ब्रांचेस में जाना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बाकी अगर आप कोर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो ना, तो आप तभी जाना जब आप प्लेसमेंट को लेकर श्योर नहीं हो कि यार ठीक है मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, बस डिग्री मिल जाए सस्ते फीस में, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो इस तरह के कॉलेजेस में, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छी एकेडमिक्स मिलेगी, अच्छे फैकल्टी मिलेंगे, तो वो चीजें आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी। फैकल्टी भी आपको मिक्स टाइप के मिलेंगे। हाँ, अगर आप बात करें कौन सा कॉलेज चूज कर सकते हो, तो हल्दिया को आप ज्यादा प्रायोरिटी में रख सकते हो, उसके बाद नरूला के रख सकते हो। अगर आप इसको चूज कर रहे हो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर ये मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ जा सकते हो, आप जेआईएस को इग्नोर कर सकते हो। एंड एक और कॉलेज है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, तो देन इसे भी आप ज्यादा प्रायोरिटी में रख सकते हो जेआईएस के कंपैरिजन में। तो आप इस तरह से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हो, हल्दिया, देन आपका नरूला, देन आपका नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, देन आपका जेआईएस, ठीक है, कल्याणी वाला। ओवरऑल मैंने इसको रेट किया 4.7 out of 10। एकेडमिक्स में ठीक ठाक है, ना उतना आप अच्छा कह सकते हो ना उतना बुरा कह सकते हो। फैकल्टी थोड़े है, मतलब आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ उतना अमेजिंग देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगा। आरओआई भी ठीक ठाक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है, हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलती है। कॉलेज लाइफ 5.6 out of 10। एंड इंटर्नशिप में भी आपको ज्यादातर आपको खुद से ही एफर्ट लगाना होता है। सो इसलिए मैंने इस कॉलेज को रेट किया, इस इंस्टीट्यूट को रेट किया है 4.7 out of 10। आई होप आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा जेआईएस कल्याणी को लेकर कि कौन सा चूज करना चाहिए, क्या अगर इसके ऊपर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो। बट अगर आपके इस रैंक के अकॉर्डिंग यही कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसके लिए भी जा सकते हो। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जेआईएस कल्याणी को लेकर। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के अंदर किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस, आपका रिव्यू कि तुम क्या सोचते हो जेआईएस कल्याणी के बारे में, अगर कोई स्टूडेंट वहां का देख रहा है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।